दोस्तों नमस्कार मैं हूं हूबुदी और स्वागत है आपका कार्यक्रम फिट एंड फाइन में दोस्तों जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और बात बात मैं नहीं कह रही ये बात वर्षों पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने हमें सिखाया था जी हाँ उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में उसका स्वास्थ्य उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है उसका स्वास्थ्य जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है और दोस्तों आज के समय में इस स्वास्थ्य को हमारी हेल्थ को हम लोग बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और इसी की वजह से हमें लाइफस्टाइल स्टाइल डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल डिजीज आज के समय में जो उभर करके सामने आ रही है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इन मेडिसिन ग्लोबल हॉस्पिटल एंड क्रोमा सेंटर माउंट आबू से डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी डॉक्टर साहब को 2006 में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए पी अब्दुल कलाम जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर साहब जैसा कि आज का विषय है ओबेसिटी यानी कि मोटापा इस विषय पर बहुत सारे दर्शकों का जो हमारे नियमित दर्शक हैं जो हमारे दोस्त हैं उनका उनके सवाल भी हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनकी सारी जिज्ञासा का आज मैं आपसे समाधान चाहूँगी और इसी सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ कि ओबेसिटी या जो मोटापा है वो बेसिकली उसका एक कारण क्या है किस वजह से वो आता है आमतौर तो पर लोग कहते हैं कि जैसे मैं दोस्तों की लैंग्वेज में बोलूँ कि ज़्यादा खाना खाते होंगे ये या फिर हेरिडिटी में है वंशानुगत इस वजह से होता है तो इसका एग्जैक्टली exactly क्या रीज़न है सर ये जानना चाहूँगी सी ओबेसिटी इज अ मल्टीफेक्टोरियल डिजीज जी ये खाली यानी कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है या हमारा ओवरऑल बॉडी का है नहीं जी, जी। इसे डिजीज नहीं पर से और इसके बहुत सारे कारण है बहुत सारे कारण होते, होते हैं एक फैक्टर नहीं है इसके पीछे यूजली कई बार तो हम कहते हैं जेनेटिक है जैसे आपने कहा तो पहले जेनेटिक ना दूसरा आज के समय में स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा कारण आज के समय में अच्छा। क्योंकि दिन दिन पे प्रतिदिन मैं देखता हूँ अगर सेवेंटीज में देखें जी। और आज हम 2022 में देख रहे हैं तो क्या बढ़ा है जीवन में स्ट्रेस बढ़ी है सेवेंटीज में स्ट्रेस नहीं थी थी तो सही पर कम थी बहुत नाम मात्र थी और आज हर आदमी स्ट्रेस में है उस स्ट्रेस के कारण आज हम हमारी डाइटरी हैबिट्स खराब हो गई हैं स्ट्रेस के कारण हमारी नींद खराब हो गई है स्ट्रेस के कारण ही हमारा जो एक्सरसाइज के पैटर्न्स खराब हो गए हैं स्ट्रेस mm -hmm. के कारण ही हम एडिक्शन्स में जा रहे हैं लोग अल्कोहल ले रहे हैं लोग स्मोकिंग कर रहे हैं है ना स्ट्रेस के कारण ही घरों में टेंशंस हैं झगड़े हो रहे हैं mm -hmm. ना मतलब स्ट्रेस के कारण के ऑस है इंस्टेबिलिटी है जी। तो एंड इवन जो जीन्स हैं हमें जो माता पिता से mm -hmm. मिलते हैं हालांकि इसके ओबेसिटी को जीन्स नहीं होते से जो भी हमें जो थोड़ी सी ओबेसिटी के कारण जो भी थोड़ा बता हम लोग माँ बाप से क्या इनहेरिट करते हैं जीन्स जींस तो करते jeans हैं तो जीन्स में नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट इट इज अवर ईटिंग हैबिट्स इटिंग इट इज अवर एक्सरसाइज हैबिट्स। इट इज अवर स्लीपिंग हैबिट्स कई बार yeah. हम कहते हैं जीन्स रेस्पॉन्सिबल जीन्स रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं होते mm -hmm. हम जो माता पिता से गेन करते हैं हमारी कैसे क्या खाते हैं कैसे खाते हैं mm -hmm. वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं mm -hmm. क्या उनके जीवन में एक्सरसाइज प्रायोरिटी है क्या आप उनके सोने का समय उठने का समय क्या है क्योंकि माँ बाप बच्चे अगर माँ बाप जाग रहे हैं तो बच्चे भी वो सीखेंगे उनका बिहेवियल पैटर्न क्या है स्ट्रेस पैटर्नस क्या है नो no, सारी और प्लस उनकी जो हैबिट्स पर्सनल स्मोकिंग की हैबिट्स हैं या अल्कोहल की हैबिट्स हैं तो बच्चे के अंदर यूं यूँ आ जाती हैं एंड दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ओबेसिटी तो इसलिए ये कहना खाली गलत है कि हमारे अंदर जीन्स माता पिता से हैं तो हम क्या करें मोटे हो गए कुछ केसेस में करेक्ट है किंतु तो अधिकतर इट डज नॉट अप्लाई इन नाइनटी परसेंट केसेज ओके लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि मैंने अभी एक रिसेंटली आंकड़ा पढ़ा था कि भारत में तीन करोड़ से ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं और जैसे कि आपने स्ट्रेस के बारे में कहा कि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एट्टी फोर परसेंट लोग स्ट्रेस और एनजाइटी के भी है तो स्ट्रेस और एनजाइटी अगर हम हटा दें अपने जीवन से तो क्या वाकई में हम ओबेसिटी से उभर पाएंगे क्या ये कहना सही होगा सी बेसिकली स्ट्रेस को हटाना जीवन से एक्चुअली hmm. आपने कहा 84 परसेंट वो एक मेडिकली एक फिगर ड्राइव भी की गई है है ना ऑन सर्वे बट रियली स्पीकिंग एवरीवन इज इन स्ट्रेस ट्वेंटी सेंचुरी इज सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस हर आदमी स्ट्रेस में है अगर आपको डर है इनसेरिटी hmm. ये भी तो स्ट्रेस है hmm. अगर आपके अंदर वरी है एनजाइटी ये भी तो स्ट्रेस है जी, मतलब एवरीवेयर you know, मतलब आज इंसान हर तरह से स्ट्रेस में है जी। तो इसके कारण से और ये स्ट्रेस जो है बेसिकली mm -hmm. अगर हम स्ट्रेस को हटाएं स्ट्रेस mm -hmm. तो जीवन में आएगी लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस हाँ पर आप यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस ये सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड देन यू कैन मैनेज योर जी एंड यू कैन बी ऑलमोस्ट स्ट्रेस फ्री सर ये जी सीखी जाए कि स्ट्रेस फ्री रहकर और जीवन में जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनसे जैसे ओबेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे हम बेसिकली आई थिंक हम जो स्ट्रेस के कारण जो है ना आई थिंक स्ट्रेस जो है हम लोग सीख सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं पर जैसे जैसे हम ओबेसिटी की बात करें अगर पहले तो ओबेसिटी जो है बेसिकली ओबेसिटी अपने आप में हुँ. अगर हमारे अंदर ओबेसिटी है ओबेसिटी हाँ. की परिभाषा हम अपने दो, दोस्तों अपने हाँ. दर्शकों को बता दें जी। तो ओबेसिटी जो है एक हमारा बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स एक तो वेट होता है हमारा जी एक हमारा बॉडी मास इंडेक्स ये दो पैरामीटर जिसके द्वारा हम अपनी ओबेसिटी को डिसाइड करते हैं अच्छा. अगर आपका बॉडी जो वेट एंड हाइट इन इंचिस शुड बी द सेम ओके मतलब एक आम आदमी के लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ से नहीं mm -hmm. आम आदमी के लिए जी जैसे हाइट अगर आपकी है फाइव तो फिट in yes, तो आपका वेट कितना हुआ इंचेस हाइट इन इंचज शुड बी इक्वल इन इज इक्वल टू वेट इन केजेस वेट इन केजेस यस तो आपका वेट साठ किलो होना चाहिए सिक्सटी अगर आप फीमेल हैं तो आप उसमें से माइनस फाइव कर दीजिए अच्छा तो फिफ्टी फाइव हो गया राइट राइट अगर अगर आप मेल हैं तो और आपका वेट अगर हाइट जो है आपकी फाइव फिट सिक्स इंचज है राइट right? hmm. तो 66 kg आपका वेट होना चाहिए अच्छा मतलब इस तरह से आप इस तरह से एक uh, काउंटिंग की जा सकती है एक फार्मूला बना सकते हैं फार्मूला बना सकते हैं इजी इजी एवरीवन कैन अंडरस्टैंड ठीक है easy, अगर सपोज आपका हाइट है 168 सेंटीमीटर, तो आपका वेट एक, ये भी तो उसका फार्मूला है इजी जो मतलब तो आपका वेट 168 cm 68 kg आपका वेट लगभग होना चाहिए अच्छा अच्छा राइट right? दर्शकों ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया हमें yeah. यहाँ पर डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने फीमेल्स की बात यहाँ पर करी महिलाओं में आमतौर पर ये देखा जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज वो उनका एक वेट गेन होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी या एक सर्टन एज के बाद तो उन वो लोग उन लोगों को क्या करना चाहिए इस ओबेसिटी से उभरने के लिए एक सर्टन एज के बाद सीधे बहनों में बेसिकली आ, दो प्रॉब्लम्स होती हैं एक तो जब हारमोन्स की सपोर्ट है ना जब तक मीनोपॉज है जी जब मीनोपॉज हो जाता है हारमोन्स के पहले इस्ट्रोजन्स रहते हैं और उसकी वजह से बॉडी में एक्टिविटी रहती है बोन् स्ट्रांग रहती हैं बट एज इस्ट्रोजन लेवल्स कम डाउन मीनोपॉज के आसपास तो क्या होता है वो हारमोन सपोर्ट खत्म हो जाती है जी। तो अंदर से जैसे एक तरह का यू स्टार्ट फीलिंग वीक आपके बोन्स बोन मास कम होना शुरू हो जाता है आपकी हड्डियाँ कमजोर नहीं ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू ऑस्ट्रोपिनिया होना शुरू हो जाता है अच्छा। बोन में वीकनेस आने शुरू होती है mm -hmm. तो अंदर एक, एक अंदर से वीकनेस प्लस इमोशनल वीकनेस भी आने लगती है इमोशनल लेबिलिटी आने लगती yeah. है right. और हमारा जो है फिर धीरे धीरे वेट गेन बिकॉज बिकॉज ऑफ देर सो मेनी स्टडीज इन दिस वर्ल्ड कि इसमें बताया yeah. कि मूड डिसाइड्स अवर फूड है ना वैसे हम कहते हैं फूड डिसाइड्स अवर मूड कि फूड कैसा होगा हमें mm -hmm. क्या मिलने वाला डिनर में हमारा मूड पहले से एलिटेड रहता है ये भी बात ठीक है तो अभी बहुत सारी स्टडीज ये बता रही है हमें कि मूड डिसाइड्स जबर फूड अगर हम स्ट्रेस में हैं अगर हम गुस्से में हैं अगर हम अंदर बिटरनेस महसूस कर रहे हैं कड़वाहट महसूस संबंधों में, में कड़वाहट है अगर आपसे बहुत अंदर से ड्राई महसूस कर रहे हैं बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप खाना खाना पसंद करते हैं यू कंपनसेट आपके माइंड में जो है उसका अपोजिट आप खाना खाने में खाते हैं अंदर बिटरनेस महसूस करें तो मीठा खाने को दिल करेगा और मीठा खाएँगे ज़बरदस्ती खाएंगे कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है अच्छा। अगर डायबिटीज़ है तो भी खाएंगे बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो हॉट एंड स्पाइसी खाएंगे ड्राई महसूस कर रहे हैं तो आप फ्राइड खाएंगे है ना इस तरह तो से मतलब हमारी टेंडेंसीज हैं जो सोच सोच से ज़्यादा मूड स्टडीज़ हुए हैं अब तक मूड स्टडीज तो इसलिए हमें देखना है कि जो वेट है जैसे मैं बात कर रहा था वेट की बात कर रहा था तो वेट का एक तो ये प्लस इसमें अगर प्लस माइनस फाइव कर दें मतलब जैसे आपका वेट निकला सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स निकला अकॉर्डिंग टू योर हाइट तो उसमें आप पांच ऐड कर सकते हैं तो आपकी अपर लिमिट होगी सेवनटी वन अच्छा लोअर लिमिट होगी तो 61। तो अच्छा से आपका वेट हो सकता है राइट दैट इज द आइडियल ऑफ कंडीशन फॉर यू स्मॉल स्मॉल फ्रेम मीडियम फ्रेम लार्ज फ्रेम तीन तरह के हैबिटस है होते हैं बॉडी के तो उसके अनुसार और ओबिस और अगर बी के हिसाब से जाए बीएमआई के हिसाब से जाए तो बी बॉडी बॉडी मास इंडेक्स वो क्या होता है वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलाएगा okay. अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स अठारह पॉइंट पाँच से कम है तो आप अंडर वेट हैं राइट एटीन पॉइंट फाइव अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स पच्चीस से पच्चीस से कम है मतलब अठारह पॉइंट पाँच से अठारह पच्चीस के बीच में hmm. तो नॉर्मल वेट है राइट right? okay. और पच्चीस से लेकर तीस तक है पच्चीस से चौबीस पॉइंट जो 29.9 तक है hmm. तो आप ओवर वेट है और अगर आपका वेट थर्टी और मोर ओबीस वो ओबेसिटी है oh. तो दैट इज ऑल्सो वन शुड नो व्हाट इज ओबेसिटी वॉट इज ओवर वेट व्हाट इज अंडर वेट व्हाट इज नॉर्मल वेट तो नॉर्मल वेट क्या हुआ हमारा 18.5 से चौबीस पच्चीस तक है ना चौबीस पॉइंट नाइन तक okay. ये हमारा नॉर्मल वेट नॉर्मल वेट नॉर्मल वेट पर्सन नॉर्मल वेट ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन टू ट्वेंटी ओवर वेट है कि अगला सवाल मेरा हाँ. यही था कि क्या डिफरेंस है ओवरवेट में और ओबेसिटी हाँ. में क्योंकि जैसे, लूग जैसे लूग आपने आपके तो इंडियन जो स्पेशली एशियन हम एशिया में रहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं स्पेशली इंडियंस साउथ ईस्ट एशियन साउथ साउथ स्टेशंस जहाँ भी रहते हैं चाहे भारत में रहते हैं विदेश में रहते हैं अमेरिका में यूके में सिंगापुर में वेर एवर दे आर उनको अधिक रिस्क है तो इसलिए उनके अंदर डिफाइन अलग तरह से किया गया अच्छा। वहाँ हमारा बॉडी मास इंडेक्स तेईस को ले लिया गया है ट्वेंटी तो ट्वेंटी को एक ले लिया गया ट्वेंटी शुड भी लेस देन ट्वेंटी थ्री एटीन पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी एट दो कम कर दिया गया वहाँ पर क्योंकि हम लोगों ज़्यादा चांस है और फिर एक चीज़ और भी है तो ये तो बॉडी मास इंडेक्स हो गया कई बार तो भारत में एक, प्रॉब्लम है भारत में मतलब ओबेसिटी जो है हमारी जो है पूरे हाथ पर हमारे मोटे मोटे नहीं होते हमारा पेट मोटा पेट होता, होता है।, तो विसरल विसरल ओबेसिटी मतलब हमारी बॉडी में जो अंग है अंदर पेट में उनके आसपास बहुत फैट जमा रहता है, जम जाता है। तो ये जो है विस्तृल विस्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं वेस्ट रेशियो वेस्ट रेशियो लेते हैं एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस जो हमारी जो होती है ना बेली बटन होता है इससे इसके ऊपर हम मेजरमेंट लेते हैं okay. तो मेल्स में इट शुड बी लेस देन फोर्टी इंचेस हंड्रेड टू सेंटीमीटर्स ओके आप अपने आप में सकते फीमेल्स में थर्टी फाइव से थर्टी फाइव इंचजा राइट तो ये हमारा एक फिगर मोटा मोटा हमें ले लेना चाहिए ठीक है hmm. तो हमें उसके लिए पता रहे कि हमारा जो है ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स इस तरह से बनाना तो मेरे ये हमारा वेस्ट वेस्ट

जैसे देसी घी में डालडा घी में जो फैट्स मतलब, e डाल्डा, डाल्डा, है, okay. है, मतलब mm -hmm. जो कि जमे हुए रूप में होते हैं ये सेचुरेट फैट होते हैं जैसे कोकोनट में है जमा हो जाता है mm -hmm. और दूसरा जो है हमारा जो है ये जो एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें दो तरह के फैट्स आते हैं पॉली अनसेचुरेट फैट्स उसे फूफा कहते हैं अच्छा। और मोनो अनसेचुरेट फैट उसे मूफा कहते हैं इनका आपस में एक रेशो होता है और अच्छा। फैट का एक अनसे होता है और फिर मूफा और पोफा का भी रेशो होना चाहिए बैलेंस अमाउंट में फैट लेना चाहिए पर सबसे बड़ी बात मैं जो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमें हमारी बॉडी में हम लोग ये फैट क्यों जमा होता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हमारी बॉडी में हम तीन चीज़ मुख्यतः लेते हैं एक तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं एक प्रोटीन्स लेते हैं और एक फैट लेते हैं तीन मुख्य चीज़ हमारी बॉडी में फूड में आती है तीन हमारे फूड मुख्य जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं फूड के वो तीन हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो है हम उसमें जैसे उसकी बेसिक यूनिट है ग्लूकोज हमने चपाती खाई हमने ब्रेड खाई जो भी हमने खाना खाते हैं सब्जी खाई दाल खाई वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा उसको ग्लूकोज तक हमारे मुंह में ही पहले तो ग्लूकोज ब्रेक होना शुरू होता है जो हमारी चपाती है उसको ब्रेक करके तो मीठी लगने लगती है hmm. टाइलिन होता है hmm. केमिकल फिर छोटी आँत फिर पेट में आती है फिर hmm. स्टमक में स्टमक से फिर तीन घंटे के बाद छोटी आँत में आती है उसमें पिता के मिलता है लीवर से hmm. हमारी आँतों में जूसेज निकलते हैं hmm. और फिर हमारे पेंथिलिया से भी जूसेज निकलते हैं तो ब्रेक डाउन होता है तो अल्टीमेट अल्टीमेट प्रोडक्ट इज़ ग्लूकोज और एक ग्लूकोज से चार कैलोरीज रिलीज होती है पर हम ग्लूकोज को सिर्फ तीन चार सौ ग्राम तक स्टोर कर सकते हैं बॉडी में हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते चार सौ ग्राम से ज़्यादा नहीं वो भी लीवर में ना लीवर में अधिकतर स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में हम स्टोर नहीं कर सकते इससे अधिक नहीं स्टोर कर सकते हैं और प्रोटीन जो है लगभग हम एक ग्राम पर के बॉडी वेट खा सकते हैं खाते हैं जो कि हमारी सेल्स की रिपेयर के लिए आवश्यक होती है लास्ट जो उसकी प्रोडक्ट है वो अमाइनो एसिड है उसको भी अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें तो उसमें भी चार कैलरीज हमें मिलती हैं और हम प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी क्योंकि ये सिर्फ वी आर में रिपेयर हो रिपेयर में यूज़ हो गया जैसे हम अगर मैं सत्तर किलो मेरा वजन है तो मेरे को सेवेंटी ग्राम प्रोटीन पर डे खाना चाहिए और सत्तर ग्राम प्रोटीन मेरे कहाँ यूज़ होगा जहाँ भी मेरी बॉडी में मसल्स हुँ, सेल्स हुँ, मर रही हैं सेल्स की रिपेयर हो रही है ब्रेन की रिपेयर हो रही है आंखों की रिपेयर हो रही है हर हर ऑर्गन की लंग्स हार्ट एवरी एवरी ऑर्गन इज़ गेटिंग रिपेयर डेली डेली वी एंड टीयर हो रही है डेली सेल्स बन रहे हैं नए सेल्स बन रहे हैं उसके लिए प्रोटीन चाहिए अच्छा। राइट तो प्रोटीन जो है बेसिकली बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती हाँ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाते हैं तो आपके मसल्स को मोटा करने के लिए तो आप मसल्स मोटी मोटी हो जाएंगी है हाँ। ना वो एक्सरसाइज करने स्ट्रांग हो जाएंगी जी। पर उसके अनुसार फिर आपको उतनी एक्सरसाइज करनी होती तब आप प्रोटीन की अमाउंट बढ़ा सकते हैं वन ग्राम पर के बॉडी वेट कर सकते हैं आप हंड्रेड ग्राम्स तक प्रोटीन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज यूर डूइंग तो ये है दूसरी बात प्रोटीन की प्रोटीन भी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती hmm. विदाउट एक्सरसाइज okay. और तीसरी जो बात है okay. तो हमें प्रोटीन जो खबर जब भी हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा अमोनिया निकलती है तो हम ग्लूकोज को डाउन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पानी निकलता है पानी बनता है okay. प्लस एटीपी टीपी बनेगी हमारी कैलोरीज बनेंगी और जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं तो साथ में नाइट्रोजन बनती है यूरिक एसिड बनता है यूरिया बनता है okay. बनता है ये टॉक्सिक टौक, केमिकल्स हैं hmm. तो हम ज्यादा मात्रा में अगर इसको खाएंगे तो भी नुकसान करेगी किडनी खराब हो जाएंगी hmm. तो ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है hmm. फैट जो है फैट की जो लास्ट प्रोडक्ट है वो फैटी एसिड है फैटी एसिड तो कितना जमा कर सकते हैं बॉडी पे ये हम कितना चाहे जमा कर सकते हैं पेट पे पचास किलो जमा कर सकते हैं पेट पे हिप्स पे है ना थाइस पे है ना यहाँ इतना फिट जैसे आपका वजन बेसिक वजन हो सकता है फिफ्टी के जी हो हाँ जी फिफ्टी के जी है जी। तो आप चाहें हाँ ना, तो आप आप पचास किलो और ऐड कर सकते हैं वो कहाँ जमा होगा बेली पे, पे पेट पे हिप्स पे थाइस पे अच्छा आर्म्स पे जमा अच्छा। पे हो जाएगा पचास किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये जो है हम स्टोर कर सकते हैं अब भी जब भी हमारी हाथों में सिस्टम बना हुआ है हमारी छोटी हाथ है ना जो छोटी हाथ का आखिरी हिस्सा स्मॉल का आखिरी हिस्सा आईलेम कहते हैं अच्छा वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं फूड को इतना फूड आज हमें चाहिए उस पर रिसेप्टर से मैसेज जाता है बॉडी से कि आज जैसे वहाँ तो एक सब एक मार्केट है जैसे बाज़ार okay. है वहाँ हमें ग्लूकोज अवेलेबल है फैट्स अवेलेबल है हमें का प्रोटीन्स हमारे अवेलेबल है विटामिन अवेलेबल है मिनरल्स अवेलेबल है, है हर चीज़ वहाँ पर डाउन होकर वहाँ तक पहुँचती है जी फिर वहाँ मैसेज जाता है रिसेप्टर से बॉडी की तरफ से अच्छा कि आज हमको इतना ग्राम पैट चाहिए आज हमको इतना ग्राम ग्लूकोज चाहिए इतना ग्राम हमको अजीब चाहिए राइट जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जा रहे हैं आपको आपको कहा गया कि भाई आप आधा किलो आलू आधा किलो या एक किलो आलू एक पाव भिंडी आधा किलो गोभी आप कुछ कहा गया कि इस तरह से आप लेके ले आज अचानक अनाउंसमेंट हो जाती है कि अचानक से ये खबर होती है कि अचानक से मिसाइल एक हमारी नेबर कंट्री ने एक मिसाइल चलाया हमारे देश पर और वो कहाँ जाके गिरा पता नहीं और अभी इमरजेंसी लग गई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है भारत में तो क्या होता है सब्जेक्ट क्या हो जाता है तो अब बताइए आप मार्केट में जा रहे थे आधा किलो आलू लेने किलो आलू लेने के लिए ले और आधा किलो भिंडी या अरबीज वॉटर जो गोभी लेने के लिए या जो तो अब आप क्या खरीदेंगे आपको पता है कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई सर वॉर कंडीशन आ गई है तो आप बाजार में क्या खरीदेंगे जैसे ही होगा अनाउंसमेंट क्या होगा आलू का रेट एकदम तो बीस किलो हो जाए बीस रुपए किलो हो जाएगा क्योंकि इस समय लोग आलू खरीदेंगे भिंडी ज्यादा नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगी जल्दी खराब हो जाएगी भिंडी तो आधा किलो खरीदेंगे आलू आप जो एक किलो खरीदने जाते दस किलो खरीदना चाहिए रेट बढ़ने के बाद भी अच्छा अच्छा राइट जी आप दालें ज्यादा खरीदना चाहेंगे जो लंबा समय चले है, वो चलेगी वो खरीदेंगे इसी तरह से जब हमारा जब गुस्सा करते हैं इससे मैंने कहा स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फॉर ओबेसिटी तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हम जब अंदर से मैसेज आता है एमरजेंसी का डिक्लेरेशन हो जाएगी अच्छा चिंता करते हैं डरते हैं जल्दीबाजी करते हैं कोई भी नेगेटिव चीज उदास हो जाते किसी बात से दिलचक हो जाते हैं तो बॉडी क्या मैसेज देती है अंदर जो भी मार्केट में अवेलेबल है खरीद लो राइट right? अच्छा ना जाएगा ना और क्या चीज खरीदेंगे जो बॉडी में हो सकती स्टोर हो हो स्टोर स्टोर क्या हो सकता है ग्लूकोज कितना स्टोर कर सकते हो मैंने बताया है चार सौ ग्राम से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते हुँ। 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 तो आप एक दिन भूखे रह सकते हो ग्लूकोज निकल जाएगा लीवर से और वो आपका यूज हो जाएगा है ना प्रोटीन आप स्टोर नहीं कर सकते हो फैट आप स्टोर कर सकते हो फैट सिर्फ एक ऐसी चीज है जो स्टोर कर सकते हो तो इसलिए जब हम क्या करते हैं जब भी इमरजेंसी मतलब स्ट्रेस में आते हैं जल्दी चिंता गुस्सा डिप्रेशन प्रॉपर नींद नहीं करते हैं जी। या हम अंदर से दूसरों के दोष देखते रहते हैं बदलने की भावना रखते हैं इनसे महसूस करते हैं तो अंदर से क्या होता है मैसेज जाता क्या आना तो मैं जो कुछ मार्केट में अवेलेबल है खरीद लो और क्या खरीदेंगे फैट फैटी अवेलेबल है बाकी चीज़

बॉडी में जमा होगा बॉडी में कहा जाएगा चेहरे पे तो नहीं आएगा नहीं बैली तो में आएगा बैली में आएगा आएगा थाइस पे पे जाएगा हिप्स ये जो एक्स्ट्रा जो फैट है ना एक्स्ट्रा फैट ऑन द बॉडी इज डिजीज इट इज जस्ट नॉट फिजिकल अपेन्स इट इज अ डिजीज डिजीज तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल जी बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है एलडीएल

आप तो ऑफिस में हैं गुस्सा आ गया आपको तो ग्लूकोज कहाँ से निकलेगा अच्छा। लीवर से जमा हुआ जो आपने 400 ग्राम के लगभग 300-400 ग्राम स्टोर किया लीवर से निकलेगा वो शुगर लेवल बढ़ाएगा वो शुगर लेवल को घटाने के लिए हमारी पेनकलाइज पेन इंसुलिन निकालेगा तो और स्ट्रेस तो खत्म होती नहीं है एक बार स्ट्रेस आती है गुस्सा आता है कुछ प्रॉब्लम होती है इन्सिक्योरिटी वो घंटों रहती है सारा दिन भी रहती है दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन भी रहती है तो लगातार वो प्रोसेस ऑफ कोल्टिस रिलीज

सो दैट हम बहुत सारी बीमारी से बच सके बिल्कुल तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम फिट एंड फाइन हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और ओबेसिटी और मोटापे से जुड़े हुए जो भी सवालों के जवाब हमारे अतिथि डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी ने दिए वो सभी आपको काफी क्लियर हुआ होगा उससे कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना है और रूट कॉज क्या है ओबेसिटी का डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद तो दोस्तों मिलते हैं फिट एंड फाइन के अगले एपिसोड में कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगले टॉपिक के साथ या विषय के साथ तब तक के लिए मुझे ही आने के विदुषी को दीजिए इजाजत नमस्कार